नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक्सिस म्यूचुअल फंड के बारे में, एक्सिस फ्रंट रनिंग का आप केस सुन रहे होंगे, ये क्या है और कौन से स्कीम है? 7 फंड है जिसके तहत ये स्कैम किया गया है। फंड का नाम है एक्सिस कंजम्पशन ETF, एक्सिस बैंकिंग ETF, एक्सिस निफ्टी ETF, एक्सिस आर्बिट्रेज फंड, एक्सिस क्वांट फंड, एक्सिस टेक्नोलॉजी ETF और एक्सिस वैल्यू फंड। इस 7 फंड में फ्रंट रनिंग हुआ है। इसको कैसे समझेंगे फ्रंट रनिंग के बारे में? मान लीजिए कि हमारे देश में राह चलते लोगों को आप गोली नहीं मार सकते हैं, पर किसी ने गोली मार दिया तो क्या होगा? कानून है, व्यवस्था है, पुलिस है, वो अपने ढंग से काम करेंगे। ठीक उसी तरह फ्रंट रनिंग भारत देश में अलाउ नहीं है, पर किसी ने कर दिया, उसी तरह किसी ने गोली मार दिया राह चलती व्यक्ति को, इनोसेंट पर्सन को, तो क्या होगा? सरकार देखेंगे, कानून व्यवस्था देखेंगे। तो फ्रंट रनिंग करना गैर कानूनी है, इलीगल है, पर किसी ने कर दिया, तो कर दिया तो क्या करना पड़ेगा? इसको पहले समझते हैं कि फ्रंट रनिंग होता क्या है। मान लीजिए कि कोई AMC है और वो 100 करोड़ का शेयर, कुछ पर्टिकुलर शेयर, एक शेयर खरीदना चाहते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो 100 रुपया का शेयर मान लीजिए चल रहा है, तो 2 रुपया का इजाफा हो सकता है और 102 रुपया पे चला जाए। पर पहले से ही फंड मैनेजर को ये जानकारी है कि 100 करोड़ का परचेज करने जा रहे हैं, क्योंकि फंड मैनेजर ही परचेज करेंगे। 100 करोड़ का कोई शेयर परचेज करेंगे तो उसका शेयर का प्राइस थोड़ा सा बढ़ेगा। तो फंड मैनेजर ने क्या किया, अपने ही अकाउंट से 1 करोड़ रुपया का शेयर पहले से खरीद के रख लिया, एक दिन पहले खरीद लिया। अगर तो उसने खरीद के रख लिया और अब जब 2 रुपया बढ़ेगा, यानी कि 2% बढ़ेगा, तो इनके पैसे का वैल्यू 2 लाख रुपया एक दिन में वो कमा लेंगे। इसको बोलते हैं फ्रंट रनिंग। इसको दूसरे शब्दों में समझते हैं कि मान लीजिए कि दो भाई एक गांव में रहते हैं और दोनों में उनका ऐसे चलता है। एक भाई ने मेहनत करके एक खेत में पेड़ लगा हुआ है, आम का पेड़, और लगभग 10 लाख का आम उस साल उनको हुआ। और दूसरा भाई जो है कुछ नहीं करते हैं, घर में बैठे रहते हैं, बस इनको ऑब्जर्व करते रहते हैं। जब 10 लाख का आम हो गया और वो मंडी बेचने जाते हैं, तो इनको पता है कि ये भाई को, बड़े भाई को बेटी का शादी है, तो इनको पैसे का ज़रूरत है, तो हर हाल में ये आम बेच के ही आएंगे। तो पहले से यहाँ मंडी में आदमी सेट करके रखते हैं और कहते हैं हमारे भाई को पैसे का बहुत ज़रूरत है, वो बेचेंगे ही बेचेंगे आम को, आपको बेच के आएंगे चाहे जितना पैसा मिले। तो आपको 10 लाख रुपये में जब बोला जाएगा, तो 10 लाख रुपये में ना लेके आप 5 लाख रुपये में डील तय कर लीजिएगा। वो इतने मजबूर हैं कि 5 लाख में भी सारा आम बेच के आ जाएंगे। और ऐसा ही होता है, अपना ही आदमी सेट करके उनका भाई रख देता है और 5 लाख रुपये में मजबूरी में वो बेच करके आ जाते हैं। जब 5 लाख में बिक जाता है, और यहाँ पे 5 लाख रुपया फ्रंट रनिंग के तौर पे उनको आ गया, जिसमें से 2 लाख रुपया बिचौलिया को दे दिया और 3 लाख रुपया उनका भाई रख लिया। बैठे बैठे उनके भाई ने 3 लाख रुपया कमा लिया, इसीलिए वो साल भर कुछ भी नहीं करते हैं। इसी तरह का दाव पेच वो के इंतजार में रहते हैं और इस तरह से बैठे बैठे उनका 3 लाख रुपया मुनाफा हो गया। मैं यहाँ पे आपसे ये पूछता हूँ कि इसके भाई को ये काम करना चाहिए? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो उसको नमक हरामी बोलते हैं। ठीक इसी तरह का नमक हरामी फंड मैनेजर ने किया है, AMC ने किया है। जिस इन्वेस्टर के पैसे से फंड मैनेजर का गाड़ी चलता है, वाइफ का मेंटेनेंस चलता है, बच्चों का मेंटेनेंस चलता है, उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, घर चलता है, बॉम्बे में अच्छी जगह पे रहते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, जिस इन्वेस्टर के पैसे से करते हैं, उसी फंड मैनेजर ने उसी इन्वेस्टर को ऐसे करने के लिए मजबूर कर दिया, उनके पैसे के साथ खेल लिया। और ये सिर्फ एक फंड मैनेजर या एक AMC का बात नहीं है, आप जितना भी कंपनी को आप देखेंगे ना इस भूतकाल के दौरान में, सब लोग इन्वेस्टर को ही मारने के लिए तैयार में हैं, ऊपर भेजने की तैयारी में चल रहे हैं। इस कहानी को मैं को रिलेट करूं तो मुझे राजू श्रीवास्तव का एक चुटकुला याद आता है कि आज से 1000 साल के बाद जब उस जमाने के लोग खुदाई करेंगे तो आज का CD मिलेगा। तो उस जमाने के लोग पूछेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है? तो कुछ लोग बोलेंगे, ज्ञानी लोग बोलेंगे, ये पिछले जमाने का थाली हुआ करता था और उस जमाने के लोग जिस थाली में खाते थे उसी में छेद कर देते थे। तो ऐसा ही है कि हम लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते देते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि एक साधारण इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? तो मेरा कहना है रिमेन इन्वेस्टेड रहिए, जो भी कर रहा है, जिसको भी गलत काम करना है करने दीजिए, हम सीधा सीधा रास्ता पे चलेंगे और सक्सेस पाएंगे ही पाएंगे। उसके लिए SEBI बना हुआ है, AMC का रूल रेगुलेशन पहले से नियम कानून है, जिसने गलत किया है नियम कानून के अनुसार, SEBI के रेगुलेशन के अनुसार, उनको जो सजा होना होगा वो होगा ही होगा। मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि कितना भी भूचाल मार्केट में इस तरह का जो भी आते रहे, जो भी आने के बावजूद भी मार्केट ने 16% का रिटर्न दिया है,
अगर ये सब ना होता तो इससे ज़्यादा रिटर्न होता, 20-25% का रिटर्न होता, पर ये सब होने के बावजूद भी एक साधारण इन्वेस्टर को 16% का रिटर्न मिला है, जो कि बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट से 2 से 3 गुना ज़्यादा है। तो रिमेन इन्वेस्टेड रहिए, जो इनको गलत करना है करने दीजिए, हम इन्वेस्टेड रहेंगे, SIP करते रहेंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहेंगे, छोटा मोटा ये भूचाल आते ही रहता है। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 10 साल 15 साल तो इस तरह का न्यूज पीछे चला जाएगा और मार्केट आगे बढ़ता रहेगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।